कोरोना काल के बीच देश और दुनिया से अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिल रही है। दरअसल दैनिक जागरण में छपी एक खबर की माने तो रांची खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात की 3 विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई हैं, जिसके बाद रांची जिला उपायुक्त छवि रंजन ने बीते बुधवार को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल कलेक्टर को जाँच के आदेश दे दिए हैं। जाँच में क्वारंटीन सेंटर में शारीरिक दूरी का पालन क्यों नहीं हुआ, उस सेंटर की निगरानी किसके हाथों में थी, इन सारी बातों को लेकर के पूछताछ की जाएगी। इस मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर वकील की माने तो अगर महिला क्वारंटीन सेंटर में रहने के दौरान प्रेग्नेंट हुई है तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 का उल्लंघन हुआ है। ऐसे में उस महिला और पुरुष के खिलाफ एक्ट की धारा 2-3 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। वहीं जिस प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी लापरवाही का मामला बनता है। मालूम हो कि लॉकडाउन और वीजा नियमों के उल्लंघन मामले में तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिकों के खिलाफ रांची के हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में सभी विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए थे, जिसके बाद तीनों महिलाएं, उनके पति और दूसरे विदेशी 30 मार्च से खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर में थे, जहां से 20 मई को सभी बिरसा मुंडा कारा केंद्रीय पोटवार में भेजे गए थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को सभी जेल से बाहर निकले तो पता चला कि एक महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने पहले जब महिला जेल गई थी तब उसने बताया था कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि वो 50 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में थी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए तबलीगी जमात के 17 विदेशी नागरिक रांची में ही ठिकाना बनाकर रह रहे हैं, जिसमें 9 पुरुष कडरू स्थित एक घर में ठहरे हैं, जबकि 8 लोग जो कि दंपति हैं वो गुदरी चौक मिशन रोड में रह रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इन सबों के रहने की व्यवस्था स्थानीय तबलीगी जमात के लोगों ने की है। इन सबों को 15 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दिया था कि जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक वो भारत छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे। 17 विदेशियों में से मलेशिया की एक 22 साल की महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी, तब झारखंड में कोरोना संक्रमण का ये पहला मामला था। ये सारे निजामुद्दीन मरकज धार्मिक आयोजन में शामिल होकर के ट्रेन से रांची लौटे थे। इस मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।